हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं रंजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उनका हम लोग सॉल्यूशन आज देखेंगे, जो कि 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मैथ्स का रहेगा जो क्लास 10th है उनके लिए है, और जो 2019 में एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इनसे जुड़े जितने भी आपको PDF अगर आपको लेना है तो वो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम वीडियो पब्लिक होने के 2 घंटे बाद वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड कर देते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन बट ये हम एक दिन के बाद करते क्योंकि इसमें थोड़ी सी समय लगती है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाए, और टेलीग्राम में किस प्रकार जुड़ना उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम बना के आप लोगों को दे चुके हैं। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे जितने भी चीज़ हम बताएंगे आपके समय को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इतना ही चीज़ हम आपको देंगे, आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो प्रोवाइड कर लें, कि फालतू चीज़ हम जरा फालतू चीज़ एक भी आपको हम नहीं देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। क्लियर? तो देखिए, पहला हम आपको दिए थे द्विघात, बहुपद और शून्यक से क्वेश्चन रिलेटेड दिए थे, चलिए उनका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे द्विघात से है, तो द्विघात का अगर देखा जाए बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और 1/4 दिया है। पहला -1/4 दिया, दूसरा 1/4 दिया है। तो देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योग क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 दिया हुआ है, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और इसका दिया 1/4। द्विघात समीकरण से हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है उनका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -1/4 दिया है, -1/4 पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 दिया है, 1/4 पुट कर दिए। क्लियर? अब इनको अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4x हो जाएगा, और ये +1/4 तो है ही। अगर ये या तो आप इतना ही करके छोड़ दें, या तो आगे आप अगर करना चाहते तो देखिए यहाँ पे दोनों में 4 है, 4 से क्या कर दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4x² हो जाएगा, ये 4/4 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इक्वेशन आ गया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। क्लियर? तो चलिए अगला नेक्स्ट अगर देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए फिर आपको करना क्या है, दिया गया है शून्यकों का योग कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 2 दिया है। फिर से हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण से लिखना, हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू देखा जाए तो क्या पे -3 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखा जाए तो +2 है। तो आप क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन मेरा आ गया। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए तो इसी टाइप का है, तो यहाँ पे दिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो फिर हम लोग को लिखना है, दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 लिखना है, तथा शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। तो हम लोग द्विघात समीकरण जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो चलिए आगे थोड़ी सी और बढ़ाते हैं और इनको देखते हैं आगे क्या करना है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 था, यहाँ पे 1/4 पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 था, -1 पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको आप देखिए ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस 4 को हटाने के लिए पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 1/4 यहाँ पे -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखा जाए बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t² - 15 का अगर देखा जाए तो दिया गया है t² - 15 इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर ये माइनस 15 को उधर ले जाएगा तो +15 हो जाएगा, और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे 2 वैल्यू होता है। जब स्क्वायर को अगर इधर आता रूट में आता तो रूट आपको पता रूट का मतलब होता है 2 वैल्यू देगा, एक प्लस देगा दूसरा माइनस देगा। तो x का वैल्यू एक बार प्लस हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे शून्य मेरा क्या हो गया 1/15 हो गया, दूसरा रूट माइनस
15 हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको क्या करना है, अरेंज करना, दीजिए एक्स स्क्वायर है, फिर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे 6x² - 3 - 7x = 0 है, तो पहले 6x² उसके बाद -7x - 3 उसके बाद भी लिखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए ये दोनों जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कितना होगा, 18 होगा। इसका एलसीएम करना है तो 2 बार में 9 होगा, फिर 1। तो अब ऐसा इसको मिडिल टर्म को ऐसा फैक्टराइज करना है कि ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, और जोड़ने के बाद कितना आना, ऐड करने के बाद -7 आना चाहिए और गुणा करने के बाद 18 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, -9x + 2x = -3 कर सकते हैं, क्योंकि -9x में +2x जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों से कॉमन निकाली, ये दोनों से कॉमन निकालना और ये दोनों से कॉमन निकालना है। अगर ये दोनों से अगर आप देख सकते हैं 6x² है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3x * 2x, ठीक है। और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3x * 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3x और ये 3x दोनों को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2x और 3, तो वही लिखे 2x और -3 लिखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, 2x - 3 होगा। तो अब देखिए ये यहाँ पे 2x - 3 अगर कॉमन निकालिएगा तो बचेगा 3x + 1 बचेगा 1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x - 3 = 0 लीजिएगा तो यहाँ पे 2x, अगर यहाँ पे 2x = क्या होगा, 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालना होगा 3/2 हो जाएगा। यदि हम लोग अगर लेते हैं 3x + 1 = 0, तो 3x = ये प्लस है, उधर चल जाएगा -1 होगा, और x = -1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा दो बहुपद का शून्य निकल गया, अतः दिए गए बहुपद के शून्य क्या, 3/2 और 1 - 1/3 आ गया, क्लियर। तो ये हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमिति से, अगर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो 8.1 और 8.2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलता है 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे इनको, हम लोग यहाँ पे बताएं आपको, देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग को दिया था 15 cot A = 8 दिया है, cot A बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, cot A बराबर क्या होता है, B/P होता है। तो अब देखिए B पहला वाला B हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ देखिए B = 8, यहाँ पे K भी आप ऐड कीजिएगा, और यहाँ पे P = क्या होगा, K हो जाएगा, और H = क्या होगा, वाट। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से हम लोग को जानते हैं H निकालना है, तो पाइथागोरस परिमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि P² √P² + B² होता है, तो यहाँ पे H = देखिए P का वैल्यू हम लोग को दिया कितना, 15K, तो यहाँ 15K² लिख सकते हैं, और यहाँ B मेरा क्या था, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। अब अगर 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 64 होगा, और ये दोनों को 225 और 64 को जोड़िएगा तो 289 होगा, और 289 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को पी बी और एच भी नहीं मिल गया, तो आगे हम लोग को करना क्या है, जब पी बी एच मिल गया तो हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, अब यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है साइन ए बराबर क्या होता है, आपको साइन ए बराबर तो पी बटे क्या होता है, एच होता है। पी हम लोग निकाल लेते 15 और एच मेरा था 17, तो 15/17 हो जाएगा। दूसरा सेक ए निकालना, सेक ए बराबर होता है H/V, और एच हम लोग निकाल लें 17 पुट कर देना, और बी मेरा 8 दिया हो तो 8 यहाँ पे पुट कर देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो बोलता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, तो हम जानते हैं क्या, साइन ए बराबर P/H होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P ऊपर वाला है तो 3K हो जाएगा, बी मेरा एच मेरा 4 है तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या, बी निकालना, तो बी निकालने के लिए पाइथागोरस का परिमेय निकालना। तो बी का आपको पता है कि √H²-P² होता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एच का वैल्यू, अगर एच का वैल्यू देखा जाए तो 4K का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पी का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या करना, अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं इसका क्या करना है, ये इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16K² हो जाएगा, और 3K का स्क्वायर करेंगे तो 9K² हो जाएगा। 16 में 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √7K हो जाएगा, K² हो जाएगा, और √7 तो बाहर नहीं आएगा लेकिन K² तो सिर्फ K हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B = √7K आ गया। आपको हम लोग को निकालना cos A, B/ क्या होता है, H होता है, और B का वैल्यू हम लोग निकाले √7K निकाल दिया, और H हमारा दिया था 4K, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो √7 में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार टेन ए का वैल्यू निकालना है, टेन ए का वैल्यू आपको पता है पी वाई क्या होता है, बी होता है। अब करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टेन
टेन यहाँ पे ए लिखना है, और देखिए पी का वैल्यू हम लोग को रूट थ्री के दिया है, और ये बी का वैल्यू रूट सेवन के, अभी निकालें के कैंसिल हो जाएगा और थ्री बाई रूट सेवन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बोलता है यदि टेन ए वन बाई रूट थ्री है तो कॉस ए इंटू कॉस सी और साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को दिया है। तो हम लोग जानते हैं टेन ए इक्वल टू क्या होता है, पी वाई बी होता है। तो पी वाई बी होता है तो पी इक्वल टू क्या होगा, वन हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री हो जाएगा। यहाँ पे हम वही चीज़ लिखे हैं, पी इक्वल टू वन के हो जाएगा, बी इक्वल टू रूट थ्री के हो जाएगा। तो एच का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम लोग एच का वैल्यू निकालते हैं। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से आपको पता है कि एच इक्वल टू को रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होगा। अगर पी का वैल्यू देख तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का वैल्यू देखा जाए तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर का के स्क्वायर हो जाएगा, रूट थ्री का के स्क्वायर का रूट थ्री के का हो जाएगा, रूट थ्री का हो जाएगा थ्री, और के स्क्वायर का के स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट फोर के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं रूट फोर के का स्क्वायर का रूट टू लिख सकते हैं, सॉरी टू के लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग को एक पास क्वेश्चन साइन सी कॉस ए इस तरह का दिया हुआ था। आपको पता है कि थीटा चेंज होने के बाद क्या उसका वैल्यू चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल इस तरह का क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो ट्रायंगल हम लोग को बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए इस तरह का हम लोग ट्रायंगल बना लिए, और जैसे कॉन ए के लिए हम लोग के और बाय रूट थ्री दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम लोग पी और बी पुट कर दिए, और एच हम लोग निकाल लिए, एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अगर यहाँ पे कॉन ए के लिए अगर देखा जाए तो कॉन ए के लिए अगर हम लोग को पी बी एच तीनों निकालना है तो कॉन ए के लिए पी मेरा क्या हो जाएगा, अगर कॉन ए का वैल्यू देख पी देखिएगा तो के हो जाएगा, अगर बी देखिएगा तो रूट थ्री हो जाएगा, और एच देखिएगा तो क्या होगा, टू के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, साइन ए बराबर क्या होता है, पी वटे एच हो जाएगा, तो पी वटे एच हो जाएगा। ए के लिए पी मेरा के हो गया और एच हो गया टू के, और के कैंसिल हो जाएगा तो एक बटे दो हो जाएगा। फिर कौन ए के लिए कॉस ए का वैल्यू अगर देखा जाए तो कॉस ए के लिए क्या होता है, बी वटे एच, और तो एंगल ए के लिए बी हो जाएगा रूट थ्री के, और एच हो जाएगा टू के, और ये के कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम लोग को अगला करना है कौन सी का वैल्यू निकालना है। अगर कौन सी का वैल्यू निकालेगा तो साइन सी बराबर पी वटे एच होगा, और साइन सी पी अगर देखा जाए तो रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री के हो जाएगा, और एच देखा जाए तो के हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। उसी तरह कॉस का वैल्यू यहाँ पे आपको निकाल लेने, क्लियर। उसके बाद क्या करना, जो हम लोग को क्वेश्चन प्रश्न से दिया है, प्रश्न से हम लोग निकालेंगे कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी निकालना है। आपको देखो कॉस ए का हम लोग वैल्यू निकाले थे रूट थ्री बाई टू, वो पुट कर दिए, और कॉस सी का वैल्यू वन बाई टू पुट किए थे निकाले तो वो पुट कर दिए, और साइन ए का वैल्यू वन बाई टू था और साइन सी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू था। अगर रूट थ्री इंटू वन करेंगे तो रूट थ्री होगा, और टू इंटू टू करेंगे तो फोर होगा, रूट थ्री इंटू वन करेंगे रूट थ्री होगा, टू इंटू टू क्या होगा, फोर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरा जीरो वैल्यू आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगर फोर नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ये फोर नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको हम लोग देखते हैं। बोलता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाना, ये जो त्रिभुज दिया गया पी क्यू आर, यहाँ पे कोण क्यू क्या है 90 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया, 25 दिया हुआ, क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे पी आर का वैल्यू अगर निकालना है तो क्यू आर को उधर ले जाएंगे तो 25 मैंने क्या क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तथा पी क्यू अगर देखा जाए तो पी क्यू हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग अगर इनको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से अब क्या करना, हम लोग को पी पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है पी आर स्क्वायर जो होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पी आर स्क्वायर हम लोग निकाले थे 25 माइनस क्यू आर पुट कर देंगे और पी क्यू का 5 का स्क्वायर था 5 स्क्वायर देंगे, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही रहने दिए, क्लियर। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर करेंगे क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, 2ab होगा इसलिए 50 क्यू आर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 25 माइनस ये सब जितना भी नंबर है उसको उधर ले गए तो 625 और 25 को इधर ले आए तो माइनस 25 हो जाएगा, और इनको उधर ले गए तो क्यू आर ऑलरेडी था और क्यू आर प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, और माइनस 50 क्यू आर था इधर आ जाएगा प्लस 50 क्यू आर, ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा और 625 में 25 जाएगा तो 600 बचेगा, क्लियर, और इधर 50 क्यू आर आ जाएगा।
तो चलिए अगला हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे करना क्या है। ये जो QR है इसको रहने देना है, 50 को इधर ले आएंगे तो 600 बटे क्या होगा 50 हो जाएगा, और एक एक शून्य कटेंगे और फिर 5 से कटाएंगे तो 12 पंच क्या होगा 60 हो जाएगा, और QR इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। और समीकरण एक से आपको पता है PR इक्वल टू 25 माइनस QR है, और QR का वैल्यू 12 है, 12 पुट कर देंगे तो यहाँ पे मेरा 13 हो जाएगा। अब हमारे पास PBH हो गया, सारा चीज़ निकल गया, तो आप जो भी वैल्यू निकालने बोला वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भूल गए थे इसलिए आप खुद से कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये आप कर लीजिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखा है कि आकृति में टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर। तो आप क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू दिया 12 12 पुट कर दिए, और पी आर दिया 13 13 पुट कर दिए, और क्यू आर हम लोग को नहीं दिया है, क्यू आर निकालना है, ये दिया नहीं था, हम लिख दिए निकाल के, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू, आपको पता है क्यू आर मेरा क्या आधार है, आधार अगर हमको निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करना है लंब का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्या करना है पी क्यू स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ क्यू आर निकालना है तो आपको देख सकते हैं पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, और ये पी क्यू का 12 का स्क्वायर, अगर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, और 169 में 44 घटाइएगा तो कितना होगा 25, और 25 का रूट कितना आता है 5 आता है, क्लियर। जब इतना आ जाएगा तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है कौन पी के लिए, कौन अगर यहाँ पे देखिए एंगल चेंज होता है तो वैल्यू भी चेंज होता है, कौन पी के लिए अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे कौन पी के लिए टेन पी क्या होगा पी वट ए बी, और यहाँ पे पी मेरा क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 और बी हो जाएगा 12, तो 12 यहाँ लिखती हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कॉट आर का वैल्यू निकाल लेना, अगर कॉट कॉन आर के लिए देखिएगा तो कॉट आर इक्वल टू बी वटे पी होता है, तो कॉट आर यहाँ पे बी 5 हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालने के बाद प्रश्न ऐसे क्या होगा, टेन पी माइनस कॉट आर दिया हुआ है, तो आपको पता है टेन पी का वैल्यू हम लोग निकाले थे 5/12, और कॉट आर का भी वैल्यू निकाले थे 5/12, दोनों को अगर आप कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 आंसर सही है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन एक यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक थीटा 13/12 है तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 12/13 दिया है, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या एच बटे बी होता है, इसीलिए एच इक्वल टू हम लोग कितना दिया, एच इक्वल टू 13 हो गया, 13 के लिख दिए, और बी इक्वल टू 12 है, 12 के लिख दिए, और यहाँ पी इक्वल टू व्हाट पी का वैल्यू हम लोग निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। अगर आप देख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्लियर। और एच मेरा कितना है 13, 13 का स्क्वायर हम लोग यहाँ करेंगे, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर हो जाएगा, 12 के का स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और 25 के स्क्वायर का मतलब 5 के निकलेगा वैल्यू, क्लियर। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे जो दिया गया वैल्यू उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं अब क्या करना है, साइन पी का वैल्यू दिया पी वटे एच, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या 15, 5k/13 के निकालेंगे, और के कट जाएगा तो 5/13 हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू बी वटे एच होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 12/13 हो जाएगा, 12 के कैंसिल हो जाएगा तो 12/13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपका ये दो क्वेश्चन ही कंप्लीट किए, तो ज़्यादा नहीं छोटा छोटा पार्ट्स करके हमको देते हैं, और इनका हम लोग 3 पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि जो 13 और 3 और 4 क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें लंबा लंदी प्रोसेस है, उनको हम लोग को समझाना बहुत जरूरी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छे लगा तो आपको अगर बेनिफिट हो रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो बेहतर से हम आपको प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस प्रकार से आपको हमारे वीडियो लगते हैं, और क्या हम सुधार करें जो कि आप लोग के और बेनिफिट हुए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट्स में।